जमी पर। जी हाँ, मौका था उनके टैलेंट को नवाजने का, जहाँ स्टार परिवार अवार्ड्स 2014 के कूल कारपेट पर टीवी सितारों ने बिखेरा अपना जलवा। इस बार ये अवार्ड्स थे और भी खास, क्योंकि खास था उनका कारपेट, जो इस बार रेड नहीं बल्कि सिल्वर कारपेट था, जिस पर हर सितारा और भी ज्यादा चमक रहा था। इसका सारा रंग मेरे बदन पे आ गया है। मैंने सोचा इस बार मतलब इसके ऊपर ना चला जाए बल्कि इसको पहन लिया जाए। और एक्चुअली दरअसल बात यह है कि कूल कारपेट का मतलब ये है कि आप ज़रा अपने जो एक ऐसा लुक जो आप लोग आपको देखते आ रहे हैं हमेशा एवरी डे 6 times a week, तो आप थोड़ा सा उसके हट के लोगों को ऐसा कुछ दिखाएं कि अपने आप को ही करने आया हूँ। 4 nominations है तो अपने आप को ही चेयर कर लूँगा, तो बहुत बड़ी बात है। सिल्वर कारपेट है, आई थिंक जितना अवार्ड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, जितनी इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, तरक्की होती जा रही है, कारपेट्स के कलर बदलते जा रहे हैं। सो दिस इज़ लाइक अ न्यू कारपेट एंड दिस इज़ कॉल्ड कूल कारपेट। सो इस बार का थीम हमारा कूल है। इस बार परिवार थोड़ा मॉडर्न हो गया है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने जिगर के कपड़े नहीं पहने हैं और ना ही शेरवानी और जैकेट्स पहनी है। So, this is like a different look for me. This is real me, real Vishal. Star Parivar Awards के school carpet को hot बनाया हमारी टीवी की बहुओं ने। देखिए कैसे बिखेरा अपनी अदाओं का जलवा और school carpet को बना दिया hot carpet. बहुत 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 अच्छा लग रहा है। स्टार परिवार में ये मेरा 3rd साल है और बहुत ही अलग हुआ है। मतलब मुझे खुद को एज अ ऑडियंस बहुत देखने में मज़ा आया। जब आप देखेंगे तो मैं आपको पूरा यकीनन कह सकती हूँ कि आपने ऐसा कुछ कभी भी टीवी पर नहीं देखा होगा। संध्या से लेकर पंखुड़ी तक, इशिता से लेकर गोपी बहू तक, सभी ने इस कारपेट पर फ्लॉन्ट किया अपना टचन। बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है। हमने सोचा कि सिल्वर कार्पेट है तो इसलिए हम गोल्ड में आते हैं। हाँ। तो हम और भी उभर के आएंगे। हाँ, तो सिल्वर कार्पेट है तो हम गोल्ड में आ गए, तो बस आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग इनोवेटिव आइडिया है स्टार परिवार का। आई थिंक स्टार परिवार हम लोग हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, इस साल भी कुछ नया बेहतर करने की कोशिश की है, तो इसलिए कार्पेट कलर भी चेंज। मैं स्टार परिवार का हिस्सा बहुत सालों से हूँ और स्टार परिवार में पूरे परिवार ने मुझे छोटी से बड़ी होते हुए देखा है, तो घर जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कम बैक होम। एंड आई रिमेम्बर जब पहला स्टार परिवार हुआ था तब भी मैं थी और इंशाल्लाह जब तक स्टार परिवार चलता रहेगा तब तक मैं रहूँगी। वैसे जनाब, ये कूल कारपेट हमारी टीवी की हॉट हॉट बहुओं की खूबसूरती से हॉट हुआ है या फिर इस गर्मी से, आप खुद ही सुन लीजिए। इस बार ये रेड कारपेट नहीं, कूल कारपेट है, तो यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ बहुत कूल है। इसके लिए मैं रेड पहन के आई हूँ कि कूल कारपेट पे रेड पहन के चलूँगी तो दोनों मिक्स मैच होके बहुत अच्छा लगने वाला है। नहीं, जब भी यहाँ से आया हूँ लोग मुझे बोल रहे हैं कि ये कूल कारपेट है। व्हाट इज सो कूल अबाउट इट? इट्स रियली हॉट। ठंडा लग रहा है, ठंडा। इट्स रियली हॉट, राइट? ओके, इट्स रियली हॉट एंड शी इज अराउंड एंड इवन शी इज अराउंड। कूल कारपेट जरूर है लेकिन गर्मी बहुत है यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत पसीना आ रहा है। बट इस बार यही दूसरा कॉन्सेप्ट था कि कूल कारपेट हो एंड सब लोग काफी कूल लग रहे हैं आज, सो इट्स नाइस। भाई, कारण जो भी हो, यहाँ तो आप सभी ने कयामत ही ढा दी। फिर गर्मी के कारण हो या फिर आपकी हॉट हॉट अदाओं के कारण, इस स्टार परिवार अवार्ड्स में तो 4 चांद लग गए।